हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश दवे वापस से आपको वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर बर्नेट के 50 रीजंस फॉर बीइंग अ होम्योपैथ के बारे में कि क्यों हमें होम्योपैथी अपनाना चाहिए या डॉक्टर बर्नेट ने क्यों होम्योपैथी को अपनाया, उनके 50 कारण। आज के बारे में जब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लास्ट केस था वो ज़रूरी नहीं हो कि प्लूरिसी का हो, आपने ठीक तो कर दिया क्योंकि कोई जांच नहीं हुई, आपने सिर्फ उसको देख के और सिम्टम्स देख के और मेडिसिन दे दी और वो ठीक हो गया बंदा। तो डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि मैं आपको एक इंसान देता हूँ, वो व्यक्ति जिसे 2 बार जीवन में प्लूरिसी हुई, वो पर्सन जो अपने पूरी जो एडल्ट लाइफ है, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में प्लूरिसी के आफ्टर पेन को सहता रहा हो, वो पर्सन जो कॉलेज के दौरान लगातार प्लूरिसी से संबंधित जितना भी टॉपिक हो मेडिकल कॉलेज के दौरान वो सब कुछ पढ़ा, उसके बारे में हर बारीक डिटेल पढ़ी हो, वो इंसान जिसने डॉक्टर स्कोडा के लगभग सारे के सारे लेक्चर्स अबाउट प्लूरिसी अटेंड किए हों, उसके सारी डिटेल्स पढ़ी हों, वो इंसान जिसने कॉलेज लाइफ के दौरान हॉस्पिटल्स में प्लूरिसी के कई केसेस को देखा हो, वो इंसान जिसने अपने प्रैक्टिस लाइफ में प्लूरिसी के कई केसेस ठीक किए हों, और वो इंसान कौन है, हु इज दैट, वो मैं खुद हूँ। डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं, अब हम आते हैं उनके होम्योपैथी की ओर कन्वर्ट होने के 4th रीजन पर। तो डॉक्टर बर्नेट बताते हैं, आपको याद होगा जो पिछले एपिसोड में हम पिछले लेटर में जो 3rd रीजन था जिसमें एक पर्सन की प्लूरिसी जिसकी उन्होंने ठीक की थी, उनका एक मित्र था जिसको सेम प्रॉब्लम थी, जब उनका जो पेशेंट था वो ठीक हुआ, उस पेशेंट का ये मित्र था जो उन्हें एलोपैथी लेने के लिए एडवाइस कर रहा था, मगर उस पेशेंट ने तो नहीं ली और ये उस दर्द को सहता रहा, पूरा भरोसा रखा एलोपैथी पे और बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक लेता रहा, पर आखिर जब वो ठीक नहीं हुआ और उसके मित्र ने उसको सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर बर्नेट से होम्योपैथी लो, तो आखिर थक कर वो डॉक्टर बर्नेट की शरण में आए। और डॉक्टर बर्नेट के पास जब वो पहुँचे तो उसे ब्रायनिया, चेलिडोनियम और सल्फर की मदद से डॉक्टर बर्नेट ने ठीक किया। उसके बाद वो लिखते हैं कि यदि होम्योपैथी डॉक्टर एकोनाइट और ब्रायनिया को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है तो लगभग सारी की सारी दुनिया को हम लोग होम्योपैथी की ओर कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर एक शर्त है। वो लिखते हैं कि दुनिया है या जो व्यक्ति हैं वो अनप्रिजुडाइज्ड होना चाहिए। अनप्रिजुडाइज्ड का मतलब पहले से अगर किसी का माइंडसेट ना हो तो वो अपना दिमाग खुला रखे तो निश्चित ही होम्योपैथी बहुत असरकारक है और बहुत बेहतरीन थेरेपी है, पैथी है किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी के उपचार के लिए। तो वो एक कोट देते हैं, मिस्टर बोलिंगब्रॉक कहते हैं कि किसी भी कम ज्ञानी व्यक्ति को कोई नई चीज़ सिखाना आसान है, मगर किसी के मन में या किसी के दिमाग में अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो उसको सही करना बड़ा मुश्किल है। तो उसी के बारे में डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि अगर व्यक्ति अनप्रिजुडाइज्ड है, अगर कुछ नया सीखने के लिए तैयार है तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आपको जब होम्योपैथी अपनाना है तो अपना दिमाग आपको क्लियर रखना पड़ेगा, आपका माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको उसको
यूज करना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जब आप उसको यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि होम्योपैथी बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है और बहुत सकारात्मक थेरेपी है। आपका माइंडसेट भी काफ़ी इम्प्रूव करती है होम्योपैथी। और फिर लास्ट में डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि क्या आपने होम्योपैथी के बारे में कुछ समझा है या कुछ सीखा है। होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए उनका एक कोट है और वो बोलते हैं कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि क्यों सबसे पहले ब्रायनिया दी गई, क्यों उसके बाद चेलिडोनियम दी गई और क्यों आखिरी में सल्फर दी गई। ये आपको समझना होगा, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फोर्थ रीज़न क्यों डॉक्टर बर्नेट कन्वर्ट हुए होम्योपैथी की ओर। क्योंकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आगे के जो सारे एपिसोड्स हैं उनको, उसके मैसेज आप तक आ जाएं, इसके लिए उसको भी क्लिक करें। हम लोग लगातार होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छी बातें शेयर करूंगा मैं आपके साथ, जो हमारे लीजेंड्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया होम्योपैथी के लिए, लोगों के लिए और हेल्थ के लिए। बी सेफ, कोरोना टाइम है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क बांध कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथों की लगातार सफाई करते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, टिल देन।